गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बता रही हूँ आपको, मैं वैष्णो देवी गई थी और अभी आई हूँ सिर्फ एक दिन पहले। तो वहाँ पे मैंने क्या क्या खरीदा और कितने सस्ते में खरीदा और आपको सस्ता कितना मिल सकता है, कितना महंगा मिल सकता है। तो ये मैंने खरीदा था 20 रुपये का है। तो आपको माता के दो फोटोज़ मिल जाएंगे, एक ऐसा फ़ोटो मिलेगा और एक इस तरीके से फ़ोटो मिलेगा। तो अगर प्राइसिंग अगर वहाँ पर देखेंगे तो आपको 10 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन ये मैंने 20 रुपये में ख़रीदा था क्योंकि वहाँ पे बार्गेनिंग वाला सीन चल नहीं पा रहा था और इतना टाइम भी नहीं था हमारे पास। फिर मैंने वहाँ पे सिंदूर ख़रीदा जिसका ये कॉस्ट मुझे पड़ा है 30 रुपीज़ का है ये सिंदूर। क्वांटिटी ऐसे कुछ लिखी नहीं है, 30 रुपये का है ये। और फिर ये वाला जो प्रसाद होता है वहाँ पे, जो ड्राई फ्रूट वाला, ये भी मुझे 30 रुपये का पड़ा था। सारे के सारी चीज़ें 50 रुपये से अंदर की है। ये इतना बड़ा पैकेट प्रसाद का जो था ये मेरे को पड़ा है 40 रुपीज़ का, ये पूरा है। तो इसमें ड्राई फ्रूट्स है और इसमें जो भी होते नॉर्मली वो, माता की फ़ोटो है ये रहा। और उसके बाद जो मैंने ख़रीदा था वहाँ पे, मैंने ख़रीदा था ये कॉइन जो कि सिक्का है, जो आपको मिल जाएगा 10 रुपये में, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल लगा मुझे ये रहा, 10 रुपये में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको ये वाला जो पैकेट था ये मुझे मिला था, 10 रुपये का पैकेट है ये, देख सकते हैं क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। और उसके बाद मैंने दो माता के ये वाले ख़रीदे हैं जिनको हम अपने कहीं भी लगा सकते हैं। तो मैं अभी मंदिर वाले रूम में ही लगा दूँगी, आपको यहाँ पे ड्यूल टेप मिलेगा। तो ये मुझे मिलता है 10 रुपये का, 10 रुपये का। और हम गए हैं अभी जून में, 26 की ट्रेन थी हमारी वंदे भारत। और ये रहा, ये भी है, ये भी मुझे शायद 20 रुपये या 30 रुपये का पड़ा है, ज़्यादा नहीं पड़ा है। और उसके बाद मैंने वहाँ से ख़रीदा था ये एंकलेट जो कि मुझे पड़ा 50 रुपीज़ में, दो मिला है ये एंकलेट। और फिर वहाँ से मैंने जो ख़रीदा ये सिंदूर, ये पड़ा था मेरे को 10 रुपये का, 10 या 20 रुपये का, ये 20 रुपये का बोला, 30 रुपये का था। और फिर मैंने एक और लिया था कॉइन क्योंकि मेरे को घर पर भी देना है। ये रहा, ये तो प्रसाद में निकला था। और ये एक और लिया था मैंने चांदी जैसा, यहाँ पे दो लिया मैंने, एक चांदी का जैसा लिया और एक लिया सिल्वर जैसा। तो ये 30-30 रुपये के हैं। इसके बाद मैंने ली थी वहाँ पे एक इमली जो कि 30 रुपये की पड़ी, और ये नारियल जो कि प्रसाद का नारियल है। तो ये तो प्रसाद के साथ ही मिला था जिसका कॉस्ट आई थिंक 50 रुपीज़ था, लेकिन वहाँ पे बहुत बारिश हुई तो जो प्रसाद था वो बोला गीला हो गया है। तो इसलिए मैंने वो जो पैकेट वाले आते हैं वो प्रसाद मैंने रख दिया है क्योंकि वो खाने लायक है नहीं और किसी को देने लायक भी नहीं क्योंकि वो पानी से बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सो मैं उसको पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दूँगी क्योंकि वो देंगे तो फिर वो सारे के सारे प्रसाद भी ख़राब हो सकते हैं। सो रियली होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा। थैंक यू सो मच एंड कीप ऑन वॉचिंग। बाय बाय।